उसके अंदर आपको बेस्ट स्टोरी लाइन क्या लगा उसका? स्टोरी लाइन अबाउट पैट्रियोटिज्म, इंडिया के बारे में बताया गया है, हाउ इंडियन साइंटिस्ट हैव शोन पैट्रियोटिज्म एंड हाउ आर दे वेरी मच मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेशन। Amazing. Ashar is always charismatic, charming, and I'd love to see R. Madhavan and Shah Rukh together on the screen. Amazing storyline based on a true story. Mr. Nambi have got Padma Bhushan, the third civilian award, like highest civilian award of India, after a long debacle. Or such hamesha jeet hoti hai. Aapko courage rakhna chahiye. And a very well executed movie, a nice script, a nice cinematography. And I'm so happy to see that R. Madhavan has written and directed this movie. It's really amazing. I enjoyed it. There are some South actors, and the movie goes in flashback sometimes, comes back as well. And it's nicely executed. And I'm sure the people would love this movie. As we are saying that the Bollywood is not doing well nowadays, or something like that. The Pan India movies are doing well. For example, RRR or Bahubali, or now KGF 1 and 2. But now Bollywood is of course there to stay. It's more about the quality than about the particular language. So movie is all about the script, or direction, performances, and execution, and it's really wonderful. Out of 5 stars? For Rocketry, I would give 4 stars. थैंक्स सो मच। रॉकेटरी के लिए तो बोलूँगा मैं एक ही चीज़, मास्टर पीस, अमेजिंग मूवी। मतलब कि जो हमारे नंबी नारायणा, जो कि हमारे साइंटिस्ट है, देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट माना जाता है उनको, उनके ऊपर रियल लाइफ स्टोरी बनाई गई है। और ख़ासकर आर माधवन, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब हैं, क्या काम किया उन्होंने, सुपर। लेकिन जो स्टोरी लाइन है, क्या समझ में आया कि स्टोरी लाइन बहुत गहराई है? गहराई बहुत है। लोग इस इनके बारे में बहुत लोग जाने भी होंगे, न्यूज़ वगैरह पर देखे भी होंगे। मतलब उनका जो ज़िंदगी, उनकी जो स्ट्रगलर रही होगी, वो सब चीज़ दिखाया है इस मूवी के जरिए। काफ़ी इमोशनल सीन्स है। और ख़ासकर शाहरुख खान के फैंस को देखना चाहिए यार, आप लोग प्लीज़ देखो इस मूवी को, उनका तो अच्छा खासा कैमियो है इस मूवी में। इस मूवी को 4.5 स्टार दूंगा। I was extremely emotional after seeing this movie. और उतना ही मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख भी है और गुस्सा भी है। गुस्सा आई थिंक मोर ऑन द एंटायर सिस्टम, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक प्रॉब्ली इसरो एज वेल। व्हाई इज़ इट दैट सच अ थिंग हैज़ हैपेंड एवर इन आवर कंट्री, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम। We have police forces which claim to be second best in the world, okay? The Mumbai police force is second best next to Scotland Yard. So I don't know why this entire episode happened. I don't know why. In spite of getting a clean chit from the Supreme Court, okay, we still don't know who the culprit was. क्या तकलीफ है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सबका जजमेंट निकलता है, सब निकलता है। एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा गया है? कुडोज टू द बीजेपी गवर्नमेंट, दे टुक द इनिशिएटिव, गेव प्रोफेसर नंबी नारायण द पद्म भूषण अवार्ड। बट सी वॉट ऑल वेंट थ्रू हिम। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। मुझे शर्म होता है अपने आप को इंडियन बोलने के, हिंदुस्तानी बोलने के लिए। मेरे हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे हो सकता है। मेरा अपना मामा, माय ओन अंकल, वॉज अ साइंटिस्ट, ही एक्सपायर्ड इन 2014, डॉक्टर दिनेश चक्रवर्ती। He was a scientist, of course not in ISRO, but he was a scientist in National Chemical Laboratories, Pune. Okay, Pashan, मैं उनका ये था, डेरा था। तो जो भी है, साइंटिस्ट दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल ए पी जे कलाम हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। They have done a lot for us. Because of them,
वी आर मिल्किंग मनी. द आवर कंट्री हैज गॉन फ्रॉम स्क्रैच टू द हेवेंस. तो ऐसे साइंटिस्ट की बदौलत पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए था. अगर हुआ भी तो क्यों इसका खात्मा पहले इनिशियल ईयर्स में ही क्यों नहीं हुआ. यार अगर कोई साइंटिस्ट बनता है पीएचडी करके, ओके, ये प्रोफेसर नमी नारायणन वॉज अ रॉकेट साइंटिस्ट, ओके, ओनली अ ब्रेनी पीपल कैन डू इट. और उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है $9 लाख में उन्होंने अपना जो रॉकेटरी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान को बेचा. यार स्टूपिड सा लगता है यार, एक एजुकेटेड आदमी ऐसा नहीं करता आम तौर पे, खास करके साइंटिस्ट डॉक्टर्स इनको तो छोड़ दो यार, शर्म की बात है. मुझे शर्म आती है हिंदुस्तानी बोलने पे अपने आप को. हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है. बहुत 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 बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ. मैं तो बोलता हूँ कल्प्रिट कहाँ गया. मेरे सामने कल्प्रिट आ जाए तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोट दूंगा. मुझे ऐसा इतना बुरा लग रहा है, इतना मुझे मेरा दिल में आग झुलस रही है. पता नहीं मैंने कैसे बर्दाश्त किया ये स्टोरी को, कैसे बर्दाश्त किया. यार ये फिल्म के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए हमको, क्रिएटिविटी के बारे में नहीं करनी चाहिए, जो असली मुद्दे पे बात करनी चाहिए. Because the film has been made well, of course, even if I talk about the film, the film has been made very well. Yes, direction, the actors, Shah Rukh Khan has a very pivotal role in this movie, very pleasant package. Okay, then eventually we saw Professor Nambi Narayan come swapping the role from R. Madhavan in the movie towards the end and narrating. उसमें जो जो कॉन्सेप्ट द स्क्रीन प्ले द एंटायर थॉट प्रोसेस दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ द फिल्म, इट्स अ ट्रिब्यूट. ठीक है ना. सो वी कांट जज दिस मूवी, इट इज़ अ ट्रिब्यूट, वेरी वेल मेड, ऑथेंटिकली मेड. इट इज़ नॉट अ पॉट बॉयलर, इट इज़ अ फिल्म विच कैन प्रॉबली गो फॉर ऑस्कर्स, प्रॉबली. सो दैट इज़ वाई it will not appeal to the masses. They'll find it, and I'm talking about a Hindi belt masses, the typical masses. It will not appeal to them. Unko baat samajh mein nahi aayegi. Bahut sari technical baatein hain isme. 70% of the film is 60% or 70% of the film is in English. Okay, so magar mere liye it was an eye opener. I will not say that I enjoyed watching or I got entertained. I am saying good, after Kashmir Files, something like this has come out. Thanks to the director, thanks to the creative team of Rocketry, that they have done somewhat justice, so that there will be an uprising. So like Kashmir Files, this is something, a very bad mishap that has happened in our country, which should never ever be repeated. No stars to be given. It's a must watch for every Indian. We should learn to respect. Yaar hum respect dena bhul gaye. Our society ko akal nahi hai, ghutne mein akal hai. Padhe likhe logon ko respect nahi dete to fir kya doge yaar. Maa baap ko respect nahi dete to kya hai. Hamari society mein लोगों का अक्कल एकदम घुटने में चला गया है. अभी हमको असली हिंदुस्तान अपने आप को असली हिंदुस्तानी बुलाना चाहिए. वी शुड राइज अबाउट व्हाट वी हैव बीन डूइंग. अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता. नो, वी शुड स्टॉप बीइंग सेल्फिश. द एंटायर कंट्री शुड कम फॉरवर्ड. ऐसा अगर एपिसोड अगर यूएस में होता उनके साइंटिस्ट के साथ या कोई और डेवलप्ड कंट्री में होता, इट वुड हैव बीन अ मूवमेंट. बट हमारे कंट्री में मूवमेंट हुआ ही नहीं. नो वन न्यू अबाउट इट. यार द ग्रेट विक्रम ए साराभाई, ओके, उनका फेवरेट स्टूडेंट थे, ठीक है,
एंड सी वॉट ही हैड टू गो थ्रू द ऑर्डिल दैट ही वेंट थ्रू. बहुत दुख की बात है. मैं तो बोलता हूँ, मगर ये कल्प्रेट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है. मैं तो कल्प्रेट जिस दिन द डे द कल्प्रेट इज टेकन टू टास्क, जैसे अभी उदयपुर में दो कल्प्रेट के पीछे भी पड़े हुए हैं, उनको भी पकड़ के फांसी पे चढ़ाना चाहिए. ऐसा यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए. एज फार एज प्रोफेसर ये नमी नारायण केस इज कंसर्न, तो बहुत 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 तकलीफ हुई. इट्स अ मस्ट 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 वॉच फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. भले उसको पसंद नहीं आए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि हमको ये इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है. आई एम कम्प्लीटली फॉर इट. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस. रॉकेटरी बहुत ही अच्छी मूवी है और पहली बार आर माधवन जी ने डायरेक्ट किया ये मूवी, तो उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है. और मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो साइंटिस्ट हैं नमी नारायण, उनकी मूवी है. और कैसे वो अपने मेरिट पे इतना ऊंचाई तक पहुंचते हैं और वो ऊंचाइयों के बाद जब वो नीचे गिरते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं एस्पिनेज के और स्पाइंग कर रहे हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो किस तरह वो ओवरकम करते हैं, अपने आप को सच्चा प्रूव करते हैं. तो पेट्रियोटिज़म के ऊपर मूवी है, देशभक्ति के ऊपर किस तरह वो अपने आप को साबित करते हैं. उनके बच्चों को भी टारगेट किया जाता है, तो उनकी वाइफ का भी रोल बहुत अच्छा निभाया है सिमरन ने. तो आर माधवन तो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं. हमने उन्हें तनुवेट्स मनु में देखा था, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स, थ्री इडियट्स, और ये मूवी में उन्होंने डायरेक्शन भी किया है, स्टोरी भी है, तो बहुत ही इज़ अ वर्सेटाइल. वो प्रूव कर दिया कि मल्टी टास्किंग वो कर सकते हैं. तो मूवी बहुत ही बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत ग्रिपिंग है, बहुत एंगेजिंग सीन्स हैं, और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करेगी, तो थॉट प्रोवोकिंग है बहुत. हाँ, बहुत अच्छा लगा. मतलब उनका इंटरेक्शन जो थोड़ा सा दिखाया है, स्टार पावर उसी कहते हैं, मतलब वो स्क्रीन पे आते तो बिल्कुल आंखें उनके ऊपर ही चली जाती हैं. तो उनका बहुत अच्छा है. सूर्या भी एक एक्टर, उनका भी कैमियो बहुत अच्छा है. तो बहुत अच्छा लगा शाहरुख जी को इतने टाइम के बाद देख के, तो डेफिनेटली लोग उनको देखने आएंगे. और मूवी की स्टोरी जैसे मैंने कहा कि बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रिलेटेबल है. किसी भी इंसान के साथ ये हो सकता है कि इतनी ऊंचाइयों को पार करके, बट ये है कि वो जज्बा दिखाया कि वो गिव अप नहीं करते और जो भी सर्कमस्टेंसेज आए उनको फेस करते हैं और जो अपना पहचान है उसको वापस लेते हैं और दुनिया को साबित करते हैं कि इस तरह के आरोप आप किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, बट उससे उभरना बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छे हैं. मतलब मुझे उनका डायरेक्शन तो पसंद आया, इस आपने सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे शीर्षा रेखी. एडिटिंग मुझे लगता है 15-20 मिनट, 2 hours 40 minutes इज़ आई थिंक टू मच. तो अगर 15-20 मिनट क्रॉप कर देते तो जिसके एडिटर विजित बाला उनको मैं बोलना चाहूँगा. म्यूज़िक ठीक ठाक है सैम का, बट डायरेक्शन इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट क्योंकि काफ़ी अलग अलग जगह मतलब शूट की गई है और ऑडियंस को 2 hours 40 minutes तक रोकना इट इज़ कमेंडेबल. बट अगर थोड़ी सी एडिट हो जाती तो और मज़ा. थोड़े से पोर्शंस बीच में क्लमजी लगते हैं, हैप हैज़र्ड लगते हैं. आई थिंक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. वर्ड्स से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उसके सारे बैरियर्स को तोड़ देंगे. मतलब आपको देख के तो पता चल रहा है ना, कितनी साउथ इंडियन मूवीज़ हैं अभी लोग सब टाइटल्स के साथ या बिना सब टाइटल्स के भी समझ जाते हैं. तो इसका जो मैसेज है, लोगों को स्टोरी ऑलरेडी पता है कि साइंटिस्ट के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया था और उसके बाद उनको पद्मभूषण मिला था. तो मतलब ये लोग समझेंगे. मतलब किसी भी भाषा का कोई बैरियर लैंग्वेज का होगा ही नहीं. आई थिंक 4.5.